हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई एम बैक विद ए न्यू वीडियो अगेन। सो फाइनली आ चुका हूँ एक और नए टॉपिक के साथ, और आज की इस वीडियो में डिस्कस करेंगे डाबर कंपनी के हाइनिटा सिरप से रिलेटेड। इसको कैसे यूज़ करना है, कैश के मार्ग में कौन से बिहार में आप इसको ले सकते हैं, इससे जुड़ी हर जानकारी आज की इस वीडियो में तो देखने को मिलेगी। तो वीडियो एंड तक देखें और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें, साथ में बेल आइकन बटन से प्रेस जरूर करें। तो चलिए दोस्तों वीडियो शुरू करते हैं और आप सभी को एक्सप्लेन कर देते हैं डाबर कंपनी के हाइनिटा सिरप किस लिए बनाएंगे, कौन से बीमारी में आप इसको ले सकते हैं। तो उससे खासतौर पर यूज़ किया जाता है कफ डिजीज के लिए, खांसी रोग के लिए, अगर आपको ड्राई कफ देखे जा रहे, वीट कफ देखे जा रहे, स्पैस्मोडिक कफ देखे जा रहे, एलर्जिक कफ देखे जा रहे, इरिटेटिंग कफ देखे जा रहे, वॉमिटिंग कफ देखे जा रही है, या दोस्तों आपको कंजेस्टिव कफ जैसे देखी जा रही, किसी भी टाइप की अगर आपको खांसी हो गई है, सूखी खांसी हो गई, गीली खांसी हो गई है, या दोस्तों किसी प्रकार के आपको खांसी रोग हो गया, तो उसके लिए आप इस सिरप को ले सकते हैं। और जो कि दोस्तों अगर कोई शॉर्ट थ्रॉट जैसे देखा जा रहा है, थ्रॉट इरिटेशन देखी जा रही, गले में खुजली हो गई, गले में दर्द देखा जा रहा है, तो उसमें भी आप इसको यूज़ कर सकते हैं, जो कि काफ़ी अच्छी कंपनी के डाबर कंपनी के, जो कि दोस्तों तुलसी के साथ आती है, मुलेठी के साथ आती है, बनफसा के साथ आती है, जो कि इसके दोस्तों पानी भी डाली गई है। और इस सिरप की क्या MRP है, तो याद है दोस्तों 75 रुपीज़ की या फिर 85 रुपीज़ की मिलेगी, जो कि आपके नज़दीकी आयुर्वेदिक फार्मेसी है वहाँ से इसको ले सकते हैं। और इस सिरप को आप कैसे यूज़ कर सकते हैं, अगर आपको ऐसी प्रॉब्लम देखी जा रही है तो इसके लिए आपको क्या करना है, अगर बच्चों में ऐसी प्रॉब्लम देखी जा रही है तो उनके लिए 5 ml यूज़ करें, जो कि एक ढक्कन यूज़ करें, जो कि गर्म पानी से दे सकते हैं और रात में दे सकते हैं। इसको आप एक दिन में 3 से 4 बारी दे सकते हैं। अगर बड़ों में ऐसी प्रॉब्लम देखी जा रही है तो उनके लिए आप जो है 2 ढक्कन आप यूज़ करें, जो कि दोस्तों 2 टीस्पून इसमें यूज़ करें, जो कि दोस्तों 2 जो कि चाय की 2 चम्मच होती है वो इसमें आप जो है यूज़ करें, जो कि गर्म पानी से ले सकते हैं। अगर बड़ों में ऐसी प्रॉब्लम देखी जा रही है, एडल्ट में अगर ऐसी समस्या देखी जा रही है, सो दोस्तों इस टाइप में आप इस सिरप को ले सकते हैं। और सो दोस्तों मैंने सिरप की आप सभी कंप्लीट नॉलेज दे दी है। आई होप आपको वीडियो ज़रूर पसंद आई होगी। अगर आई है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दें, कमेंट भी कर दें, वीडियो शेयर भी कर दें, और अगर चैनल पर हैं चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें, साथ ही बेल आइकन बटन से प्रेस जरूर करें। सो मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ, एक नए मेडिसिन के साथ, और वीडियो को देखने के लिए आप सभी से दिल से धन्यवाद। इस वीडियो को हमें यहीं पे एंड करते हैं। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।